और इस बीच पांचवें चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक की अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो 47.53% मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक। आपको बता दें 47.55% मतदान हुआ है बिहार में, 45.33% और झारखंड में 53.90% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 62.72% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 48.95% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान। और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 44.90% और लद्दाख में 61.26% मतदान हुआ है। तो सबसे कम वोट परसेंट महाराष्ट्र का निकलकर सामने आ रहा है और हर फेज में महाराष्ट्र में बहुत कम संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में सही नहीं है। आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए ताकि आप अपनी भागीदारी निभा सके अपनी सरकार चुनने में। पांचवा चरण बहुत अहम था और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के चुनावी दौरे पर है। करनाल की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का आरोप लगाया है। एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं, मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।